तो घर दे दो, कितनी हो गई फिलहाल? एक मिनट पहले ये पूरी जगह खाली थी। अरे वो सब 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 आ रहे भाई, सबको सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई है भाई, चीता दिख गया। इस टाइगर तो हमने देख लिया, अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से वाइट टाइगर देखने के लिए, जो कि बाजू का ही सेक्शन है। तो गाइस ये है कुछ सिद्धार्थ गार्डन का, ऐसा गेट नहीं हुआ था, अभी चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं था यहाँ पर। यहाँ से एंट्री देना है, सामने टिकट मिलेगी शायद। ये हम लोगों ने टिकट दी अभी 3 जन की, 20 रुपये की एक टिकट है, तो 60 रुपये की टिकट हो गई यहाँ की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जनाब बात तो जैसे कि अभी बज रहे 4:24 और हम लोग आए हैं यहाँ पे औरंगाबाद के सिद्धार्थ गार्डन में, जो काफ़ी अमेजिंग है। गार्डन भी है प्लस जू भी है, तो अपना जो मेन एक्सप्लोर करने का है वो जू एक्सप्लोर करने का, क्योंकि जानवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और कुछ चेंजेस वगैरह हो चुके हैं यहाँ पर। अभी सारे पॉइंट है, जैसे एक्वा पॉइंट है, मच्छी घर है, और गार्डन वगैरह है जहाँ पे बच्चे वगैरह खेल सकते हैं। बट हम लोग को जो जाना है ना, वो जाना है यहाँ पर जू के अंदर, क्योंकि जानवर वगैरह देखना है, शेर वगैरह है ना। पैसे निकाल सब है ना, पैसे निकाल हो जाएगा तो अपन दिखाएंगे नहीं ना। यहाँ से जो है टिकट वगैरह तुम लोग को मिल जाती है, एक का जो रेट है वो है 50 रुपीज़। तो हम लोग 3 जने हैं, तो भाई यहाँ जो एंट्री करने का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ और बच्चों जो का है 20 रुपीज़। तो अपने एंटर कर दिए और सबसे पहले देखो ब्लैक बग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हो हिरन वगैरह, देख रहे हो तुम लोग नजदीक से। वैसे तो तुम्हें मैंने अपने फार्म की वीडियो भी बताया था, जहाँ पे हिरन देखने के लिए हम लोग कितने अंदर फॉरेस्ट में चले गए थे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्या है। वैसे तो बहुत सारे जानवर थे पहले, हम लोग करीब 3 साल पहले जब मैंने विजिट किया था यहाँ पे, बहुत सारे जानवर थे जो कि हमें मुंबई के रानी बाग में भी देखने को नहीं मिले थे। तो औरंगाबाद जू मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो बहुत टाइम बाद मैं आया हूँ सिद्धार्थ गार्डन में। तो अभी एक एक करके मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पे बस देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या है क्या यहाँ पे। वैसे देखते फॉक्स वगैरह लोमड़ी फिर मंगी है तभी चलते हैं आगे 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 भी मैं तुम लोगों को धीरे धीरे बताता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत सारे जानवर हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिच भी है, ऑस्ट्रिच दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। ज़ूम करके दिखाना नीचे। अरे यहाँ पे कितने सारे, मैंने जो तुम लोग को बताया यहाँ पर जो है ना, वो सारे सांबर्स वगैरह है, ये भी सांबर्स वगैरह है, जो काटे आता है ना जानवर, जिसकी पीठ पे पूरे काटे रहते हैं, कुछ तो बोलते हैं भाई, अभी मेरे को मालूम नहीं। मैंने डिस्कवरी पे भी और बहुत जगह देखा था, इस पर भी अटैक करने आता ना कोई भी जानवर, तो ये पूरे पीठ के काटे खोल देगा। तो वो है, बट वो अंदर बैठा हुआ जाके, धूप धूप की वजह से लोग भी परेशान कर, अपन तो परेशान है। अरे स्नैक देखने के लिए स्नैक वाले सेक्शन के अंदर, तो देखते हैं भाई कितने प्रकार के यहाँ पर सांप देखने को मिलते, कितने टाइप के स्नेक्स है, मगरमच्छ है यहाँ। तो गाइस क्रोकर है, देखो यहाँ पे सो रहा है, पढ़ाई दिखाने के से देखो कहाँ गया हूँ। कोई देखी जगह कल देखा बाहर, देखो दिख रहा है, देखो पत्थर मार रहे हैं। हाँ कोशिश तो किया उठाने की, बट उठा नहीं हो। ये है कछुए, गाइज हमारा जो स्नैक का सेक्शन था वो हो गया कंप्लीट। अभी जाते दूसरे सेक्शन में कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। स्नैक वगैरह तो मैंने सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दी कि अंदर कौन से कोबराज या कौन सी चीज़ें। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, वहाँ पे बता दूँगा तुम लोगों को और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। और तुम लोगों को टाइगर्स वगैरह मैं बता देता हूँ, जो कि अभी अपन आ गए हैं यहाँ पर टाइगर के सेक्शन में, तो दोनों साइड टाइगर वगैरह है, तो एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। गाइज अभी मेरे सामने जो है लेपर्ड, तुम लोगों को मैं बताता हूँ।
देखो गर्दी देखो कितनी हो गई सीधा जमीन में। एक मिनट पहले ये पूरी जगह खाली थी। देखो सब 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 आ रहे भाई, सबको सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई है भाई, चीता दिख गया। देखने वाले हैं टाइगर जो कि यहाँ पे देखो दिख रहा है तुम, कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा टाइगर है दिख रहा है। टाइगर तो हमने देख लिया, अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से वाइट टाइगर देखने के लिए, जो कि बाजू का ही सेक्शन है। जस्ट वाइट टाइगर ये देखो सामने, मेरे मोबाइल से दिखाता हूँ मैं तुम्हें। गाइस देखो वाइट टाइगर देख रहे हो, क्या दिख रहा है वाइट का कलर। पहले से मैं कंपेयर करूँ, पिछले 3 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा जानवर थे, बट अभी थोड़े थोड़े कम हो गए। जैसे टाइगर वगैरह तो यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, और एक बार मैंने सुना था जब मैं मुंबई में था तो एक टाइगर ने यहाँ पे 3 से 4 बच्चे दिए थे जो शेरनी है। तो काफ़ी भाई ये जो सेक्शन है ये एलिफेंट का हुआ करता था, मेरे को याद है यहाँ पे दो से चार एलिफेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे बांध के रखते थे, बट वो एलिफेंट अभी दिख रहे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। एलिफेंट्स वगैरह तो है नहीं, और यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह है जैसे एक्वा बर्ड्स है। मैंने पहली बार इतने क्लोज से आज मोर देखा है। और देखो दिख रहे हैं सामने, तो गाइस मैंने भी पहली बार इतने क्लोज से पीकॉक को देखा, वो भी पूरे पर वगैरह खोल के भाई, कितना बड़ा था पिकॉक, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है यार। और झाड़ वगैरह पे बैठा था हमारे तौसीफ भाई ने हमारे जो शूट किया मोबाइल में, क्योंकि अपने पास इतना स्टोरेज अभी है नहीं फिलहाल। जितने भी औरंगाबाद के ब्लॉग्स है वो मेरे गोप्रो में और मेरे स्मार्टफोन में और पेन ड्राइव में। ये सेक्शन जो ये पूरा कंप्लीट सेक्शन अपन ने देख लिया, अभी जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के पास, क्या और क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस अभी अपन आए यहाँ पे रैबिट के सेक्शन में, रैबिट देखते हैं। मेरे को जहाँ तक लगता ना यहाँ पे पूरा पैसा जो है ना वो टाइगर और वाइट टाइगर के लिए, क्योंकि इतनी हाइट, इतने बड़े बड़े टाइगर। बोलो उसको आजा। भाई अभी बज गए यहाँ पे 5:30, तो सबको बाहर निकाल रहे हैं। अभी अपना भी यहाँ से जाने का टाइम आ गया, जू से निकलते गार्डन में आते थोड़ा रेस्ट करते क्योंकि धूप बहुत थी। बहुत गर्मी हो गई है दादा। दत्त गार्डन का जू है वो बंद हो गया और पब्जी को अंदर जाना है, फिर भी जीत कर रही थी भाई, इतना ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो रही थी। गार्डन जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे जू भी अच्छा खासा बड़ा था, बट अभी पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो जानवर वगैरह ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। मेरे को लग रहा है कि मुंबई के जू से भी यहाँ पे कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा जानवर थे। गाइस जू वगैरह में जितनी भी सारी चीज़ें थी हम लोग ने एक्सप्लोर करके तुम लोग को बता दी, और गार्डन वगैरह तुम लोग देख सकते हो। तो आई होप तुम लोग इन्जॉय करे होगे इस ब्लॉग को। आज के इस ब्लॉग में इतना ही, अगर तुम लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो मिलते हैं नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए बाय।